सो हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है आमिर और आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई में। तो आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर सेल डिवीजन के बारे में। जैसा कि अपन थंबनेल देख लिया हो कि पूरा 10 मिनट में सेल डिवीजन चैप्टर को खत्म करें, तो बिल्कुल हम लोग अभी 10 मिनट के अंदर ही पूरा का पूरा सेल डिवीजन का जो चैप्टर है आपको उसको हम लोग पूरा रिवाइज करा कर रख देंगे, एकदम ए टू जेड सारा का सारा पॉइंट, बिना किसी पॉइंट को मिस किए। तो बिना किसी इंतजार के वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि सेल डिवीजन जो आपका चैप्टर है, इसमें आपको दो तरह का डिवीजन पढ़ना है। एक डिवीजन पढ़ना है कैरियोकाइनेसिस, एक पढ़ना है आपको साइटोकाइनेसिस। तो बहुत सोच रहे कि सर डायरेक्ट आप कहाँ चले गए, तो पहले बात कर लेते हैं कि सेल डिवीजन बोलते किसको है। तो सेल डिवीजन हम लोग बोलते हैं कि एक जो मैच्योर सेल होता है, मैच्योर जब वो पूरा मैच्योरिटी की तरफ चला जाता है, तो उस मैच्योर सेल क्या कहते हैं, अपने आपको अपने न्यूक्लियस को दो हिस्सों में बांट देता है और साइटोप्लाज्म का भी दो हिस्सों में बांट देता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन। द प्रोसेस इन विच ए मैच्योर सेल डिवाइड्स इट सेल्फ इन टू इक्वल पार्ट्स इज नोन एज सेल डिवीजन। ये सिंपल हो गया आपका। इसमें डिवीजन होना है दो चीज़ों का, एक होता है न्यूक्लियस का, एक होता है साइटोप्लाज्म का। देखो साइटोप्लाज्म का डिवीजन में कोई प्रॉब्लम आता नहीं हमें, मेन प्रॉब्लम आता है न्यूक्लियस का डिवीजन। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर सारा तामझाम है, सारा तामझाम से मुराद उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है डीएनए आपका। और डीएनए में सबका जेनेटिक प्रॉपर्टी कैरी करता है वो, यानी कि सबका जो फिजिकल कैरेक्टर है सब उसी के पास है। तो उसको बहुत संभाल करके हम लोग डिवाइड करते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस जो हमारा प्रोसेस है वो चार हिस्सों में बटा है। एक हमारे पास मेटाफेज है, दूसरा हमारे पास सबसे पहला हमारे पास प्रोफेज है, प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है, मेटाफेज के बाद एनाफेज है, लास्ट में टीलोफेज आता है। तो इसमें सबसे पहले बता दें हम आपको, जो प्रोफेज है वो आपका लॉन्गेस्ट फेज है पूरा कैरियोकाइनेसिस का, याद रखिएगा। और जो एनाफेज है, एनाफेज सबसे छोटा फेज है, याद रखिएगा। तीसरा एक पॉइंट और आप नोट कर लीजिए कि टीलोफेज जो आप लास्ट में देखोगे, टीलोफेज पूरा का पूरा रिवर्स प्रोसेस है प्रोफेज में। यानी कि प्रोफेज में हम जो जो काम करेंगे उसका ठीक उल्टा काम जाके कहाँ होना है, टीलोफेज में। ये तीन पॉइंट्स आप नोट कर लिया आपने, प्रोफेज लॉन्गेस्ट, एनाफेज शॉर्टेस्ट, टीलोफेज इज द रिवर्स फेज ऑफ प्रोफेज। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेज के बारे में। देखो प्रोफेज, चूंकि हम लोग जान चुके हैं डीएनए को हमको करना है डिवाइड, तो डीएनए हमारा होता है पूरा इतना लंबा, 2.5 मीटर अप्रोक्स उसका लेंथ होता है आपका। अब उस 2.5 मीटर लंबे तार को हमें उसे लपेट करके डालना है न्यूक्लियस के अंदर। तो उस तार को हम लोग जो लपेटते हैं, ये लपेटने का प्रोसेस हमारा कहलाता है कंडेंसेशन, ठीक है। अब तार हम लपेट दिए हैं, लेकिन अब इस लपटा हुआ तार को हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं टू इक्वल पार्ट्स में। तो वो जो कंडेंसेशन है वो और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ता है और कंडेंसेशन होकर के वो क्रोमोजोम, यानी कि कुछ इस तरीके का शेप बना लेता है। तो ये होता है हमारा सबसे पहला काम। डीएनए होता है कंडेंस, कंडेंस होकर वो बनाता है क्रोमेटिन। जो पहला जो कंडेंस हमने जो बनाया था उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। फिर जो क्रोमेटिन है वो बाद में और अच्छे से कंडेंस होता है, वो बना देता है हमारा क्रोमोजोम। ये पहला काम होता है हमारा किसमें, प्रोफेज में। यहाँ पे एक बार याद रखिएगा, प्रोफेज में पूरा तरीके से क्रोमोजोम नहीं विजिबल होता है, बनता है लेकिन विजिबल यहाँ नहीं होता, विजिबल होता है आपका मेटाफेज में। दूसरा काम यहाँ होता है कि जो हम लोग स्पेंडल फाइबर वो जनरेट होता है। अब स्पेंडल फाइबर जनरेट होता है सेंट्रियोल से, हमारा प्रोफेज के जब फेज वहाँ पे एक सेंट्रियोल पाया जाता है, सेंट्रियोल खुद को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता है, ठीक है। वो डिवाइड होने के बाद एक सेंट्रियोल चला जाता है ऊपर नॉर्थ पोल में, एक चलाता है नीचे साउथ पोल के ऊपर। अब नॉर्थ पोल से निकलता है स्पेंडल फाइबर ऐसे, साउथ पोल से भी दोनों आकर के ऐसे। अब उसको अटैच होना है किस क्रोमोजोम से, कि क्रोमोजोम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सके। बट ऐसा करने के लिए यहाँ पे कंडीशन है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको डिसअपेयर होना होगा, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही है हमारा डीएनए। तो इसी वजह का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा डिसअपेयर हो जाता है। ये सेकंड पॉइंट है कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है, डिसअपेयर होता है। और थर्ड पॉइंट में क्या होता है कि स्पेंडल फाइबर आ करके अटैच हो नहीं पाते पूरा अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं किससे, क्रोमोजोम से। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो कि बाउंडेड मेम्ब्रेन यानी डबल बॉन्ड मेम्ब्रेन में पाया जाता है, जैसे गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो ये सारे क्या होते हैं, ये पूरे के पूरे तरीके से डिसअपीयर हो जाते हैं। तो ये इतना सारा जो टोटल इवेंट्स आपको बता दिया, ये सब होता है प्रोफेज में। आगे बढ़ते हैं मेटाफेज के बाद पास आपके। तो मेटाफेज में क्या होता है, सबसे पहला काम स्पेंडल फाइबर जो है वो मुकम्मल तौर पर यानी कि परफेक्टली जा करके अटैच हो जाता है क्रोमोजोम से, अटैच हो गया क्रोमोजोम से, और जो क्रोमोजोम है यहाँ पर पूरे तरीके से विजिबल होता है। तो आपसे अगर पूछेगा ये कौन से फेज में क्रोमोजोम क्लियरली विजिबल होता है, तो मेटाफेज में विजिबल होता है। अब इसके अलावा जैसे स्पेंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं, तो स्पेंडल फाइबर अच्छे से अटैच्ड हो जाए, इस वजह का क्रोमोजोम क्या करता है, खुद को ऐसे एक प्लेट में अरेंज कर लेता है। इमेज में सारी चीज़ देख सकते हैं, सब दिखा देता हूँ, बोर्ड पर लिख के टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, ऐसे देखते हम लोग। तो क्रोमोजोम जो है खुद को इस तरीके से ऐसे करके प्लेट में अरेंज कर लेता है, एक लाइन में नहीं, सारा एक लाइन पे आ जाता है। तो क्रोमोजोम क्या करता है, खुद को इक्वेटर पे अलाइन कर लेता है। अब खुद को जब वो इक्वेटर पे अलाइन कर लेता है, तो इस तरीके से एक प्लेट का जैसा शेप बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। चूंकि मेटाफेज में बना इसलिए बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट।
ये दूसरा प्रोसेस हुआ, ये क्यों होता है कि ताकि स्पेंडल फाइबर काफ़ी अच्छे से अटैच हो जाए। अब जो स्पेंडल फाइबर है ऊपर से जो नॉर्थ पोल स्पेंडल फाइबर आ रहा है वो क्या कहता है, क्रोमोजोम का एक सेंटर में से अटैच होता है, नीचे वाला दूसरा सेंटर में से अटैच होता है। सेंटर में आपको पता है कि वो पॉइंट जहाँ पर दो क्रोमोजोम आपस में अटैच होते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला एक सेंटर में, नीचे एक सेंटर में पकड़ता है, पकड़ लिया, अब इसको ये टानना स्टार्ट करेगा, एक दूसरे अपोजिट साइड में मूव होना स्टार्ट होता है। खैर, तो वो जो मूवमेंट का काम है वो आपका एनाफेज में देखने को मिलेगा आपको। तो मेटाफेज में फिलहाल के लिए इतना ही बात था, मेटाफेज से आगे बढ़ेंगे एनाफेज में हम लोग। तो एनाफेज में आपको यही देखने को मिलता है कि जो स्पेंडल फाइबर है ऊपर वाले दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट, यानी ऐसे पकड़ के थे अब ऐसे मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ये मूवमेंट करते हैं उससे क्या होता है कि एक तरह कंस्ट्रिक्शन क्रिएट होता है, उस कंस्ट्रिक्शन के वजह कर सेंट्रोमेयर के ही पोजीशन से क्रोमोजोम ऐसे करके टूट जाते हैं। तो ये हमारा मेन टारगेट था क्रोमोजोम को तोड़ना, तो हम तोड़ चुके हैं। ये पहला इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस। दूसरा, इसमें प्रोसेस बजते इतना ही होता है एनाफेज में, इसलिए एनाफेज हमारा शॉर्टेस्ट है। दूसरा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया है कि जो सेंट्रोमेयर होता है क्रोमोजोम में वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से पाया जाता है। अब सेंट्रोमेयर का डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से पाए जाने की वजह कर क्रोमोजोम्स डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का होता है। एल शेप का ही मिलता है, आई शेप भी मिलता है, जे शेप भी मिलता है, वी शेप भी मिलता है। चार शेप्स याद रखने, आई एल जे वी, ठीक है, इतने शेप्स के मिलता है। क्यों? ड्यू टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ सेंट्रोमेयर, उसके वजह कर। इतना समझ में आया आपको? अब आ गया तो हम लोग लास्ट जो फेज हुआ टीलोफेज। तो टीलो जो फेज है ये रिवर्स है, मैंने कहा रिवर्स था आपका प्रोफेज का। तो प्रोफेज में क्या होता, जो डीएनए था वो कंडेंस होकर क्रोमेटिन बना, वापस कहाँ चला गया, क्रोमोजोम में। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोजोम वापस से रिकंडेंस होगा, यानी कि धागे उसके खुलेंगे और वो क्रोमेटिन बनेगा, वापस से क्रोमेटिन जो है डीएनए का शक्ल में वहाँ पर आ जाएगा आपका, यानी कि अब वो बस ऐसा ही मुड़ा हुआ ऐसा धागा का तरह आपको देखने को मिलेगा। ये एक काम हो गया। और स्पेंडल फाइबर जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे, स्पेंडल फाइबर काम खत्म, वो आपका गायब हो गया। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो भाग गया था पहले में वो अब यहाँ पे वापस आ जाएगा। देन क्या होगा, जो बाकी जो हमने बॉन्ड जो ऑर्गेनल्स थे उसको जो भगाए थे वही वापस आएंगे, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी से क्लोरोप्लास्ट वो आ जाएंगे वापस। फाइनली यहाँ तक आके हम ये देखते हैं कि एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हमने जनरेट कर लिया है। अब दो न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर है तो यहाँ तक हमारा कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। अब आगे यहाँ से हम अगर कहानी को बढ़ाते हैं तो अब हमें क्या करना है, एक ही सेल में दो न्यूक्लियस है उन दोनों को अलग अलग करना है। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं भाई, साइटोकाइनेसिस। तो एनिमल में साइटोकाइनेसिस अलग होता है और प्लांट्स में अलग होता है। एनिमल में साइटोकाइनेसिस बहुत ही सिंपल है। एनिमल में साइटोकाइनेसिस ऐसा है कि जो बीच में आपको देखोगे तो ऐसे आएगा, ऐसे चचाएगा, बीच में ऐसे करके कंस्ट्रिक्शन क्रिएट होगा और उस कंस्ट्रिक्शन को जाकर क्या होता है कि साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी हमें क्या मिलता है, दो डॉटर सेल्स, एक मदर सेल से हमें मिलता है दो डॉटर सेल्स। तो ये पूरा कहानी हो गया आपका किसका, माइटोसिस का। तो माइटोसिस में ये था, अगर हम मियोसिस के पास जाते हैं, हमने एनिमल साइटोकाइनेसिस की बात भी कर ली, प्लांट साइटोकाइनेसिस का बात हम लोग करेंगे लेक्चर के एंड में, बने रहे अभी। तो मियोसिस में बात करते हैं, जितना काम अभी हमने यहाँ पर किया था मेटाफेज में पूरा का पूरा जो माइटोसिस में किया, ये मियोसिस पार्ट टू में होता है, ठीक सुना आपने। मियोसिस आपका दो पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट वन पार्ट टू। तो मियोसिस पार्ट टू जो वो सेम एज इट इज़ वही है जो कि आपका यहाँ पर कहलाता है आपका माइटोसिस। देखो मियोसिस पार्ट वन में वो अलग से इसलिए आता है क्योंकि देखो हमारे जो सेल है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम फिक्स्ड है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम होने हैं हर ह्यूमन बॉडी में। अब मियोसिस में क्या है कि हमको एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो कराना है वो है क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक हर एक क्रोमोजोम का अपना एक आइडेंटिकल प्रॉपर्टी है, इसके पास भी अपना आइडेंटिकल प्रॉपर्टी है। दोनों को जब हम क्रॉस करा देते हैं तो इन दोनों का प्रॉपर्टी आपस में कुछ एक्सचेंज हो जाता है जिससे एक नया वेरिएशन सामने आता है, नया वेरिएंट हमें मिल पाता है इस पे ह्यूमन स्पीसीज का। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब ये काम कराने के लिए हम हमेशा के लिए क्रोमोजोम को अटैच नहीं रख सकते क्योंकि उससे क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोजोम कम हो जाता है। तो हम कुछ ऐसा जुगाड़ लगाते हैं कि एक बार क्रोमोजोम मिले उनका जो आपस का जो प्रॉपर्टीज है वो एक्सचेंज हो जाए फिर वो बाद में अलग हो जाए, ये काम है। तो बस ये जो सारा काम है यानी कि क्रोमोजोम का पेयरिंग कराना है, पेयरिंग करा के उनका प्रॉपर्टीज़ को आपस में एक्सचेंज करना है, देन उनको बोलना है भाई तेरा काम खत्म, ते चल अपना घर जा। ये पूरा काम हम लोग करते हैं मियोसिस पार्ट वन में। अब मियोसिस पार्ट वन में सबसे पहला जो स्टेज है वो प्रोफेज ही है, लेकिन प्रोफेज के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं आपके। प्रोफेज में एक स्टेप आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैकेटिन। पैकेटिन आपको याद रखना है कि पैकेटिन ही वो स्टेज है जहाँ पर जा करके आपको क्या देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही सुना आपने, क्रॉसिंग ओवर। पैकेटिन में ही आपको, ऐसे तो प्रोफेज वन में होता है लेकिन प्रोफेज वन का कहाँ होता है, पैकेटिन में होता है, ये याद रखना आपको, ठीक है। बाकी सारा कहानी बिल्कुल वही सेम है। यहाँ पर क्या होगा, दो क्रोमोजोम आपका अटैच होता है। अब जो क्रोमोजोम का पेयरिंग है, जो पेयरिंग का प्रोसेस है, अब देखो डिटेल में आपको इसके बारे में जानना है तो आप जाके देख सकते हैं सेल डिवीजन पे, इसे मेरा पूरा ऑलरेडी 20 मिनट का लेक्चर ऑलरेडी बना हुआ है मियोसिस पर, आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई कार्ड पे क्लिक करके देख लीजिए। हम आपको यहाँ पर शॉर्ट में बताते हैं
ओके। जो जो पेयरिंग का जो प्रोसेस है क्रोमोजोम का, उसको हम लोग बोलते हैं साइनाप्सिस। और जो पेयरिंग होता है तो उसके लिए कुछ तो मेटल चाहिए जोड़ने के लिए, तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स हम लोग यूज करते हैं जो लिक्विड, उसका नाम होता है साइनॉप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइनॉप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, तो साइनॉप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फंक्शन इतना ही, वो पेयरिंग में हेल्प करता है। अब पेयरिंग हो गया यानी कि दो क्रोमोजोम्स आपके अटैच्ड हो गए, अब इन दोनों को अलग करना है, तो अलग करने के लिए हमारा जो स्पाइंडल फाइबर है वो जनरेट होता है, फिर वो अपोजिट पोल में मूव करता है और जा करके अटैच्ड होता है, फिर उसको अलग करता है। तो इसके लिए क्या करना है, प्रोफेज में हम लोग यहाँ पे वही करते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटा देते हैं, फिर जाते हैं मेटाफेज में, तो मेटाफेज में सारा क्रोमोजोम इक्वेटर पर आ जाता है। तो चूंकि उसमें क्या था माइटोसिस में कि एक एक क्रोमोजोम ऐसे यहाँ पे क्या क्रोमोजोम ऐसे अटैच्ड है, तो यहाँ पे डबल प्लेट बनता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डबल मेटाफेजिक प्लेट। और जो स्पैंडल फाइबर आ रहे हैं वो क्या होता है, दोनों एक ही क्रोमोजोम का सेंटर में से अटैच नहीं होता, दोनों अलग अलग है। ऊपर से जो एक आया है आपका वो एक क्रोमोजोम का सेंटर में का पकड़ा है, नीचे से गया वो दूसरा क्रोमोजोम का सेंटर में ऐसा का पकड़ा है, क्योंकि क्रोमोजोम्स कुछ ऐसे होता है, देख लो एक ऐसा क्रोमोजोम आ गया क्या, ये ऐसे हो गया आपका, तो ऊपर से स्पाइनल फाइबर आया ये इसको पकड़ा इसका सेंट्रोमियर को, नीचे से जाया वो इसका पकड़ा है, ये अलग अलग। अब ऐसे करके टानेगा तो ये ऊपर ये नीचे ऐसे हो जाएगा आपका, डिफरेंट हो गया आपका, ठीक है, ये मामला है सारा। तो मेटाफेज में ऐसा होता, फिर एनाफेज में वही है, दोनों अलग हो जाएगा, काम खत्म। टेलोफेज में वही है, उल्टा करेंगे हम लोग प्रोफेज का, यहाँ तक मियोसिस पार्ट वन होता है कंप्लीट। अब मियोसिस पार्ट वन के बाद फिर हम लोग वही प्रोसेस करते हैं आपका, क्योंकि भाई हमको तो क्रोमोजोम भी डिवाइड करना है ना, अभी तक क्रोमोजोम कहाँ डिवाइड हुआ है, अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ हमने प्रॉपर्टीज़ का एक्सचेंज किया यानी कि वेरिएशन हम कर चुके हैं क्रॉसिंग ओवर के थ्रू। अब मेन काम करना है क्रोमोजोम का बंटवारा, वो हम लोग सेम एज इट इज़ वही करेंगे आपका, ठीक है, जैसा माइटोसिस पूरा माइटोसिस में किया था सेम वही कहानी है आपका, बुक में ही पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं प्लांट साइटोकाइनेसिस के बारे में। प्लांट साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि प्लांट में पाया जाता है सेल वॉल, ठीक है, अभी इसमें मिडिल लैमेला भी होता है वहाँ पर। तो प्लांट्स में कंस्ट्रक्शन करना पॉसिबल नहीं क्योंकि उसमें सेल वाल है, सेल वाल तोड़ना पॉसिबल नहीं, हमारे में सेल वाल नहीं था, कमजोर आदमी थे हम लोग, बेचारा को दबा के चले गए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि मेडुला गोल्गी बॉडीज एक तरह का आपका पदार्थ जनरेट करता है, वो क्या करता है बीच में जा करके अटैच्ड मतलब लेयर बनाना स्टार्ट करता है, वहाँ पे सेलुलोज भी आकर के जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है कि एक सॉलिड पार्ट बन जाता है आपका। तो सेल डिवाइड नहीं होता, लेकिन सेल के बीच में ही सेल आपका पूरा ऐसे है और उसका सेल के बीच में ही एक दीवार नया बन जाता है। बाद में हमें ये देखने को मिलता है कि भैया जो प्लांट का सेल था वो दो पार्ट्स में बढ़ गया, यानी कि जो एक सेल में दो न्यूक्लियस दिख रहा था वो अलग अलग सेल में दिख रहे हैं, और वो दोनों सेल आपस में कनेक्ट रहते हैं आपका, बीच में एक पाइप होता है, ठीक है, उसके थ्रू आपका वापस में कनेक्ट होते हैं। ये इतना सारा कहानी था आपका पूरा सेल डिवीजन का। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, बेसिकली लेक्चर नहीं था, पूरा पूरा आपका एक ओवरव्यू था बहुत ही कम टाइम में। तो मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि अभी ऐसे कंटेंट बहुत सारे आने वाले हैं, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।